नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो देख सकते हो साथियों, हमने इत्राल किए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। तो देख सकते हो पूरी तरह से है जो पत्ते हैं जो गिर चुके हैं, पूरे हैं जो पत्ते झड़ चुके हैं। तो देख सकते हो अब हैं जो हमें COC करना है। आज मौसम साफ है तो हम आज आए हैं अपने फार्म में COC का स्प्रे करने। क्या होते हैं COC के फ़ायदे, COC क्यों किया जाता है, इसका पूरा विवरण आपको वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखें और चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हो COC का पैकेट, धनुकैप का जो 50% WP आता है वो आपको COC देना है। तो साथियों देख सकते हो, अगर एक और बात बता दूँ, अगर हमने पता जानने का स्प्रे जो इथरेल होता है वो किया है उसके ऊपर बरसात हो जाती है तो COC करने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बरसात नहीं होती है तो आपको COC करना होता है। तो COC ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, इस डिब्बे में ये पैकेट आया हुआ है, इसके ऊपर और पूरी जानकारी मेंशन की हुई है, कब देना है, कितना देना है, क्या काम करता है। वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो वो तो भी पढ़ सकते हो। तो साथ ये देख सकते हो ये 500 ग्राम का पैकेट है, धनुकैप का 50% सॉरी, और ये घुलनशील पाउडर है जो पानी में मिलाते ही घुल जाता है। तो साथियों देख सकते हो ये है जो हमने अपना ड्रम में डाल दिया है। तो साथियों कोई भी आप दवाई देते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेफ्टी रखनी है, तो अच्छी तरह से देखकर आपको डंडे की सहायता से है जो मिश्रण को हिला देना है, और फिर है जो इसको फुहारे की सहायता से है जो पौधे के चारों तरफ से अच्छी तरह से नहला देना है और स्प्रे कर देना है। और आज है जो बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं, इसके लिए बहुत ही तेज़ी से है जो ये फूंक आगे की तरफ जा रही है, तो इसलिए आपको जो वायु है उसकी विपरीत दिशा में खड़ा रहकर इसका स्प्रे करना है। मशीन चल रही है, आवाज़ आपको आ रही होगी, देख सकते हो। और ये इसका ड्रम एक और नया भरा हुआ है, तो देख सकते हो साथियों स्प्रे करते हुए सावधानी भी रखनी है। और स्प्रे करते हुए बीच में है जो एक ड्रम खाली करने के बाद में बीच में थोड़ा जो है 10-15 मिनट आराम भी करना होता है। तो साथियों आते हैं हम आगे मेन मुद्दे की बात। COC हमने कर दिया है, एक दिन हो गया है, तो एक दिन में ही है जो कि पंपले है जो फुटान आ गया, और जो वाटर सूट निकल रही है वो उसको आपको है जो तोड़ना है, क्योंकि उस वाटर सूट के ऊपर है जो ये पानी खींच रही है, और दवाई भी जो हम मेटल देंगे ज़मीन के अंदर वो भी खींचेंगे और उसके ऊपर है जो फल भी नहीं लगेंगे। तो साथियों जो भी वाटर सूट है वो आपको तोड़नी है, और अच्छी तरह से ये जो फुटान है जो एक दिन में ही है शुरू हो गई है। देख सकते हो COC क्या फ़ायदा है। COC एक तरह का फंगिसाइड भी है और बहुत ही लाभकारी होता है अनार में और भी अन्य फसलों में, आप जो बागवानी है जो उसमें दे सकते हो। तो साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हो, और वीडियो को किसान हित में है अपने मित्रों के साथ है जो शेयर कर सकते हो। तो साथियों देख सकते हो ये फूल भी आना है जो प्रारंभ हो गए है, ये देख सकते हो लगभग 15-20 दिन बाद के आपको वीडियो मिलेगा, तब है जो पूरी तरह से पत्ते आए हुए होंगे और फूल भी आएंगे। तो इसलिए अनार की खेती और अन्य खेती से जुड़ी आपको और जानकारी पाने के लिए है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ये देख सकते हो फूल आ गए हैं, और ये जो 3-4 महीने के बाद ऐसे फल लग जाएंगे उसका भी आपके सामने जो फोटो प्रस्तुत कर दिया है। ये हमारे जो पिछले साल का फोटो है, देख सकते हैं बागानों का फोटो, बहुत अच्छी पैदावार आती है, अनार की खेती बहुत ही लाभदायक गुणकारी होती है। तो साथियों बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो आगामी जो वीडियो मिलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद साथियों।